नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। राजधानी दिल्ली में लड़कियों की तस्करी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक साउथ दिल्ली के मस्जिद मोड़ इलाके पर रहने वाले एक शख्स ने डिफेंस कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज की कि उसकी बेटी स्कूल वैन से लगभग 7:30 बजे एंड्रयूजगंज में स्थित अपने स्कूल गई थी। दोपहर करीब 2 बजे स्कूल वैन के ड्राइवर ने सूचना दी कि उनकी बेटी वैन से नहीं गई है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि शिकायतकर्ता की बेटी और उसके साथ पढ़ने वाली दोस्त भी स्कूल से गायब है। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया। इसके बाद इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आपको बता दें, 8 अगस्त को करोलबाग इलाके में लड़कियों की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। मेडिकल के बाद ये बात सामने आई कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। पीड़ित लड़कियों ने बताया कि एक आरोपी उन्हें रोहिणी इलाके के एक घर में ले गया और उनके साथ गलत हरकत की। पुलिस की एक टीम रोहिणी के लिए रवाना हुई और उस घर में पहुंची जहां किडनैपिंग के बाद लापता लड़कियों को रखा गया था। पुलिस को यहां बंगाली लाल नाम का शख्स मिला, जो कि पूछताछ के बाद बताया गया कि वो रुखसाना नाम की महिला के साथ लड़कियों को बेचने का एक सिंडिकेट चलाता है। पुलिस ने जब लड़कियों का बयान लिया तो उन्होंने बताया कि बंगाली लाल वही व्यक्ति है जो प्रकाश के साथ उन्हें रोहिणी इलाके के घर में ले गया था, जहां उन्हें नशीला पदार्थ पिलाया गया। फिर बंगाली लाल के साथ मौजूद दूसरे व्यक्ति ने सेक्सुअल असॉल्ट किया। 8 अगस्त को लड़कियां किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब रही। लड़कियों ने पुलिस को बताया कि प्रकाश ने उन्हें बेचने के लिए चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन मौका पाकर वो वहां से भागने में कामयाब रही और ऑटो की मदद से करोलबाग पहुंच गई, जहां पर पुलिस को जब उनकी जानकारी मिली तो पुलिस ने उन लड़कियों को उनके परिवार को तो मिलवा दिया, लेकिन अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने काफी धाराओं में उन आरोपियों पर केस दर्ज किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली तक।